श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास खल विपुल बिहारिंदास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम आइए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री दास बिहारी कुल बांके बिहारी लाल जय बरसाने वाली राधा रानी की जय स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे यहाँ से बिहारी जी महाराज की आरती का आनंद आने वाला है यानी कि ठाकुर जी महाराज की कुछ ही बलों में यहाँ आरती आप लोगों को देखने को मिलेगी और बिहारी जी की असीम अनुकंपा सभी भक्तों पर बनी रहे यही हम चाहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अनन्य भक्त बिहारी जी के यहाँ पर खड़े हैं और कुछ ही पलों में ठाकुर जी की आरती का आनंद लेने के लिए ये लोग खड़े हो चुके हैं और बस बिहारी जी की आरती आएगी और सब मिलकर आप यहाँ से बिहारी जी की आरती का भरपूर लुत्फ भरपूर आनंद उठाएंगे। यहाँ देख सकते हैं काफी भक्त तो भैया ऊपर तक यहाँ पर लगे हैं और हरियाली तीज की बिल्कुल जी कल हरियाली तीज है बिहारी जी महाराज के यहाँ बहुत सुंदर फेस्टिवल है। ठाकुर जी महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे अपने स्वर्ण रजत घोड़े में और स्वर्ण रजत घोड़े में बिहारी जी विराजमान होंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। पूर्व दिनों हम यहाँ पर दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के चित्रपट के और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक छवि तैयार हो चुकी है। तैयारियां हैं जय हो मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। तो यहाँ बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम गोस्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम विट्ठल विपुल जी के दर्शन कर रहे हैं और क्योंकि हरियाली तीज है बहुत सुंदर ये फेस्टिवल है तो हमने भी तैयारियाँ की है मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से बिहारी जी को स्पेशल घेवर का प्रसाद लगेगा। जी हाँ बिहारी जी को स्पेशल घेवर का प्रसाद लगेगा और स्पेशल घेवर का प्रसाद भक्तों में वितरण भी करेंगे। तो कल बिहारी जी के लिए घेवर और फैनी का प्रसाद स्पेशल भोग होता है तो हमने भी घेवर का प्रसाद बनवाया है और बिहारी जी महाराज को भोग लगवाएंगे पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से। आप लोग उस सेवा में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और वो प्रसाद हम वितरण भी करेंगे भक्तों में। ये जो अद्भुत आनंद है ये आप हमारे साथ लाइव के जरिए उठा सकते हैं प्रसाद वितरण में भी दर्शन में भी और कल सुबह हम लोग जुड़ेंगे लाइव और वो 8 बजे की जो आरती है थोड़ा शायद पहले भी आ जाएगी आरती तो हम जल्दी जुड़ जाएंगे हम और आप और 8 बजे की बिहारी जी की श्रृंगार आरती करेंगे यानी कि झूले के दर्शन ठाकुर जी महाराज की पोशाक के दर्शन उनके श्रृंगार के दर्शन और जो इतना आनंद पूर्वक आनंद आएगा क्या आएगा कि बिहारी जी के हम श्रृंगार आरती का आनंद उठाएंगे और झूले में विराजमान हो रहे होंगे झूले में ठाकुर जी महाराज विराजमान हो रहे होंगे और बिहारी जी की कृपा बनी रहे। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया कल तो ठाकुर जी हमारे विराजमान हो रहे हैं लेकिन आप लोग हमारे साथ लल्ला की ड्रेसेस और लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस जी बिल्कुल आज बिहारी जी ने जैसे येलो कलर पहना है येलो का फेस्टिवल भी आने वाला और वो है जन्माष्टमी यानी जन्माष्टमी के लिए भी आप अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक हमारा जो टीम का नंबर है 9058169689 व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9058169689 इस पर ताकि आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक बुक कर सके और लल्ला की पोशाक और लड्डू गोपाल जी भी हम लोगों ने क्योंकि काफी लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर भक्त हर बांके का दीवाना लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करें क्योंकि बहुत ही दयालु होते हैं और भाव यही रखना है कि आप स्वयं ठाकुर जी महाराज यानी बांके बिहारी जी की सेवा पूजा आराधना कर रहे हो उनको इत्र मालिश करो सारी चीजें करो। पर्दा लग चुका है और आज संस्कार टीवी पे हमने एक इंटरव्यू भी दिया था रिलेटेड टू बांके बिहारी टेम्पल यहाँ के वृंदावन धाम के बारे में और बिहारी जी में जो कल फेस्टिवल आ रहा है उसके बारे में तो वो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाके स्टोरी में देख सकते हैं या ब्रॉडकास्ट में आपके पास लिंक आया होगा। तो यहाँ से चलते हैं सीधा ये देखो इन्हीं भक्तों में खुद को शामिल कर लो यहाँ हम भी इन्हीं भक्तों में शामिल होकर आनंद उठाएंगे। मेरे बांके बिहारी लाल ओ मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सुंदर नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके नजर तो है लग जाएगी। देखिए कितने भक्त लोग यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी की आरती का आनंद लेने के लिए ये भक्त बिहारी जी से जुड़े हैं अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी के और यहाँ पर आरती का आनंद लेने के लिए जुड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये तैयारियां हो चुकी हैं और ये आज रात में पूरा तैयार हो जाएगा बिहारी जी का स्वर्ण रजत हिंडोला
बिहारी जी का जो स्वर्ण रजत हिंडोला है वो तैयार यहाँ पर लग जाएगा। और क्योंकि एक ही दिन का फेस्टिवल है तो एक ही दिन मेरे बाकी बिहारी जी विराजमान होंगे कल हिंडोले में, और बहुत सुंदर उस हिंडोले के दर्शन आप लोग कर पाएंगे और बहुत सुंदर बिहारी जी महाराज के दर्शन होंगे। बिहारी जी की ग्रीन कलर की पोशाक है और इसके साथ साथ पीछे गुलाबी छटा के दर्शन है, वो कैसे हैं यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियां। तो चलिए आरती कर लेते हैं। बिहारी जी ने देखो येलो कलर की पोशाक धारण की हुई है। मोर मुकुट कटि काचनी कर मुरली और बिहारी लाल पाग बनो पटका बनो बनो लाल कोवेश और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की कोरियारी किलेश श्यामा श्याम की जय कुंज बिहारी लाल जी बच्चों श्री आरती की जय श्री नगर की श्री आरती की जय श्री नगर की अंजन नैन नैन रसमाते अंजन नैन नैन रसमाते श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय श्री नगर की पान खात मुस्कात मनोहर पान खात मुस्कात मनोहर श्री मुकुसुकमा जागर की श्री रस के सखी गम पतियारी की सोहे श्री रस के सखी गम पतियारी की सोहे श्री नैन सैनन जागर की श्री आरती की जय श्री नवनागर की श्री आरती की जय श्री नवनागर की। तो इसको आप लोग शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा ताकि एक दिन पूर्व शयन आरती बिहारी जी की हरियाली तीज से पूर्व आप लोगों के साथ और भी लोग आनंद ले सकें। कुंज बिहारी आरती गाओ। और इसके साथ भैया डिजिटल गिफ्ट बिहारी जी के आरती तक मंगल चौकट तक उनके मंदिर प्रांगण तक पहुंचाने के लिए स्टार्स के जरिए मेरे भागीदारी पेज को दे सकते हैं और देते रहिए ताकि आपकी हाजिरी उस डिजिटल गिफ्ट के जरिए लग जाए जिसकी कि बिहारी जी महाराज के यहाँ पर प्रेजेंस लग जाए। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करो मानो। जी बिल्कुल ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करो मानो। प्यारे की भामति और भामति जी के प्राण प्यारे जुगल किशोर छिन्न न कर हो पलो जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय बेठल बेपोल बिहार। अब अमृत वर्षा का आनंद लेना तो बनता और उसके बाद बांके बिहारी विनय पचासा का आनंद लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक चीज के लिए, काफी लोगों के अभी भी सवाल है शायद वीडियो नहीं देखी है, बट कोई बात नहीं बता देते हैं। सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान है बिहारी जी विराजमान होंगे और उसके पश्चात शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक यानी कि जो पहली आरती बिहारी जी की जो श्रृंगार आरती है वो 8 बजे होगी। उसके बाद जो राजभोग आरती है वो दोपहर को 2 बजे होगी, जो 12 बजे होती है वो 2 बजे होगी और रात्रि की जो 9:30 बजे स्टैम आरती होती है वो कल 11 बजे होगी रात्रि में। और बहुत आनंद आएगा और आप और हम मिलकर ये आनंद उठाएंगे। तो उसको शेयर करते रहो और अमृत वर्षा का आनंद लो और मंदिर में अपनी मानसिक प्रेजेंस जरूर दें। और यहाँ से हम देखेंगे कि ठाकुर जी की कृपा की दृष्टि से यहाँ आरती का आनंद ले सकते हैं हम लोग। कुंज बिहारे श्री हरदास कुंज बिहारे श्री हरदास श्री कुंज बिहारे श्री हरदास। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं और विनय पचासा का आनंद भी लेंगे। और विनय पचासा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर से बिहारी जी महाराज के स्वामी हरदास जी महाराज से परमिशन लेके आगे बढ़ेंगे और इन्हीं भक्तों में शामिल हो जाओ। जय हो मेरे बांके बिहारी। कल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होंगे, स्वर्ण रजत हिंडोले में कल झूला झूलेंगे। प्यारे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि प्यारे झूलन पधारो झूले में आओ झुकी आए बदरा यानी जो बादल है वो झुक गए। सावन का मौसम जो फेमस है वो अपने किस वजह से है, सावन का जो महीना है वो मौसम की वजह से फेमस है कि बादल की जो छटा है वो आ जाती है, बारिश होती है,
बड़ी प्यारी प्यारी वर्षा होती है जिससे मिट्टी की खुशबू जो है इस ब्रिज की रज की जो खुशबू है वो बढ़ जाती है कई गुना। और यहाँ पर विनय पचासा का आनंद लेकर फिर और बातें करेंगे। चरण स्वामी श्री हरिदास के मेरे बाकी बिहारी लाल, जय 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 श्री बाके बिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे भक्त जनन के नित रखवारे, श्याम स्वरूप मधुर हरे भाग पीतांबर शोभा, सिर सिर पेच देख मन होवा, तिरछे पाग मोती लर बाकी, शीश के पार सुंदर झांके, मोर पंख की लटक निराली, कानन कुंडल लटे घुंघराले, नथे बुलाक तन मन वार, मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछे ग्रेव कंठ मणि माला, ते गुंजा आर रसाला, आंदे सांजे सुंदर पटका, गोटा किरण मोतिन के लटका, उझ में पहरे अंग रखा छीनो, कटी काछनी अंग डक लीनो, कमर बंद की लटकन न्यारी, चरण छुपाए श्री बांके बिहारी, एकलाई पीछे से आई, दूनी शोभा दई बढ़ाई, गादी सेवा पास विराज, श्री हरिदास छवि अतिराज, घंटे आज अजत नाग, झांकी पर्दा कोने कोने लाग, सोने चांदी के सिंहासन, छत्र लगिन मोतिन की लटकन, बांके तिरछे सुगर पुजारी, तिनकी हू छवि लागे प्यारे, अतर फुलेल लगाए से आवे, गुलाब जल ए सर बरसावे, गोद बात नित भोग लगावे, छापन भोग भोग में आवे, मग सिर सुदे पंचमी आय, सो बिहार पंचमी काय, आए बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव हो गए, तब से बसंत पाजे आज बसंत लगे, गुलाल पोशाक बसंत, होली उत्सव रंग बरसावे, उड़त गुलाल कुमकुम लावे, फूल डोल बैठे पिया प्यारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, जुगल स्वरूप एक मूरत में, लख बिहारी की सूरत में, श्याम स्वरूप मेरे बात बिहारी, अंग चमक श्री राधा प्यारी, डोल कादशी डोल सजावे, फूल फूल छवि च
चमकावे अखे तीज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे घर में भर फूलन के बंगेला पटका हार फूलन के जंगेला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली की जन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी के मंगला आरते सखी मोदित निज तन मन पारित नंद महोत्सव भेड़ अटूट सवा प्रहर कंचन की लोट ललिता छठ उत्सव सुखकार राधा अष्टमी की चाब सवार शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारे अटरे दर्शन मेरे तत सुख पावे प्रेमी मन मेरे होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे प्रेमी चित तो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री पाक बिहारी दीन दुखी के संकट हरते तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नातिहारो बालक के अपराध बिसारो मोको जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो कृपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोको अपना मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी बांके बिहारी भिन पचासा नित पड़े पावे निज आसा अड़े भाग सौ नित प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बड़े व्यापार सहज होए अब सागर पारा कलयुग के ठाकुर विराते दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय सिहाते अष्ट सिद्ध नव निध सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोकु अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ सौ कर मन दे मेरे को श्यामा श्याम प्रेम बिंदु द्रग तेजर श्री वृंदावन मिश्रम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधेश्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी और बिहारी जी की जो भक्ति की जो उनकी कृपा की जो गर्मी है वो तो महसूस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कपड़े तक गीले कर देते हैं भैया ये कृपा है ठाकुर की इतना आप मग्न हो जाओ कि आपको ना हवा का होश हो ना पानी का होश हो ना खाने का होश हो क्यों
ये जो चीजें हम बोलते हैं कि हमें भैया ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि ना हमें हवा पानी का होश हो, जैसे परिक्रमा लगाते हैं भक्त, तो हमने देखा है कि ना धूप का असर पड़ता जाए, ना धूप का असर है उन पर, ना धूप का कुछ असर होता है, ना खाने पीने की शुद्ध रहती है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा और एक ही यही कारण है कि हमें ये चीज ठाकुर जी पर छोड़ देनी चाहिए। यानी कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो भैया ठाकुर जी कहेंगे कि तुम पूरी तरह 100% मेरे बने ही नहीं। अरे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटे से बच्चे का जब कौन ख्याल रखता है, उसके माँ पापा ख्याल रखते हैं, उसके खाने का, उसके पीने का, हर चीज का। तो हमें बिहारी जी की पहले जब भक्ति करते हो तो बिहारी जी तो साक्षात एक बाल स्वरूप में सेवा है, लेकिन हम उनके भक्त ऐसे बन जाए कि भैया बिहारी जी हमारी इन चीजों का ख्याल रखे। यानी हम तो भैया बिहारी जी आपके भरोसे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और कर्म प्रधान है, और जो हमें कर्म बिहारी जी ने करने के लिए दिया है, जो नौकरी दी है, जो जॉब दी है, जो बिजनेस दिया है, जो भी कर्म हमें दिया है ठाकुर जी ने, उसको सद्बुद्धि के साथ करें। और सद्बुद्धि कौन देगा? ठाकुर जी महाराज। तो वो आपको कैसे मिलेगी? उनकी भक्ति से, उनके लाड़ से, उनके प्रेम से। उनके साथ अपने एक ऐसा रिश्ता, अटूट रिश्ता बनाओ जो कभी टूट ना सके, और एक ऐसा रिश्ता बनाओ जिसमें ठाकुर जी महाराज आपका इतना ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें कि ठाकुर जी महाराज आपके चीजों पर, आपके खाने पीने हर चीज का ध्यान रखें, और इसको शेयर करते रहें ताकि आप जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी आपके जरिए और, थैंक यू जी, आपके जरिए और भी लोग आनंद ले सके। जैसे यहाँ पर देखिए ये भक्त जो है ये बिहारी जी की सोनी सेवा का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ पर सोनी सेवा का आनंद ले रहे हैं और बिहारी जी की कृपा पाना के लिए सब चीजें करते हैं। तो कल का फिर से मैं टाइम रिपीट कर देता हूँ, कल सुबह 8 बजे हम बिहारी जी की श्रृंगार आरती करेंगे, जो बिहारी जी महाराज विराजमान होंगे झूले में। उसके बाद मैं निकल जाऊँ 1 मिनट, उसके बाद दोपहर को 2 बजे, टाइम चेंज है, दोपहर को 2 बजे, उसके बाद रात्रि में 9:30 बजे का जो टाइम है वो 11 बजे का है कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। तो 9:30 बजे की जो आरती वो 11 बजे होगी, यानी 11 बजे बिहारी जी महाराज की शयन आरती होगी, और उसके बाद झूले से विश्राम होगा, और पीछे गुलाबी छटा के दर्शन होते हैं। गुलाबी छटा में क्या है कि उनकी जो सेज सैया है जिस पर बिहारी जी विश्राम करते हैं, यानी प्रिया प्रियतम जिनको झूठा दिलाते हैं, कौन? स्वामी हरदास जी। ये जो फेस्टिवल है ये स्वामी हरदास जी का अपने प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाने का है कि प्यारे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, यानी कि इसका अर्थ भी यही है कि वो अपने प्यारे को बुलाते हैं झूला में और कहते हैं कि बादल छुप चुके हैं, क्योंकि जो सावन का महीना है ये अपने मौसम के लिए फेमस होता है, और इसीलिए बिहारी जी महाराज ने अभी अमृत वर्षा कर दी। और मैं मौसम की बात कर रहा था, और यहां से हम देख सकते हैं कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है जी, बिल्कुल। यहां पर आप देखोगे तो आप लोगों को ये बरसात नजर आएगी, यानी ठाकुर जी महाराज ने जैसा हमने बताया था कि जय बिहारी जी कि प्यारे झूलन पधारो झुकी आए बदराए, सावन का मौसम है, बारिश के लिए फेमस है, वर्षा की बात करी थी, और ये लाइव चमत्कार ही है कि बिहारी जी साक्षात इसी वक्त दिखा दिया, और बाहर जो है बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो हमको नजर आ रही है, हमें बाहर का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ हमको ये बारिश नजर आ रही है, और ये पता चल रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। तो बिहारी जी मंदिर में तो देखो जी ये बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और यही बिहारी जी का है कि भैया मैं कल झूला झूलूंगा, तो मौसम में पहले अभी से बारिश कर देता हूँ, क्योंकि झूला तो मेरा रात्रि में ही तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ मैं लाइव सेशन को देता हूँ विराम, लेकिन फिर से यही कहूंगा कि डिजिटल गिफ्ट आप हमारे स्टार्स के जरिए दे सकते हैं यहाँ मेरे बांके वाली पेज को, और इसके साथ साथ लड्डू गोपाल जी की और लल्ला की पोशाक आप बुक कर सकते हैं हमारे मेरे बांके वाली जो स्टोर है उस पर जाकर, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए मेरे बांके वाली स्टोर का 9058169689, इस पर जाके भी बुक कर सकते हो। कल सुबह मिलेंगे 8 बजे से पहले, ताकि आप लोग बिहारी जी के साथ यहाँ जुड़े रहें। जय हो मेरे बांके बिहारी जी। भैया यहाँ पर सभी से मिलते रहेंगे, और मेरे को सुना ही नहीं दिया, राधे राधे एक बार, और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। देखो जी कल बिहारी जी झूले में झूलेंगे, लेकिन बारिश अभी से कर दी है, तो ऐसे ही बिहारी जी की कृपा रहे। तो जय बिहारी जी की, श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो ये जो बारिश हम पे कर रही है ना, ये भी कृपा की, और बाहर भी कृपा की हो रही है। तो ये ऐसे ही बिहारी जी प्यार नहीं करते नितिन सांवरिया से, नितिन सांवरिया भी बिहारी जी से बेहद प्यार करता है, जिसकी कोई हद नहीं है। बांके का दीवाना बना हूँ और बांके का दीवाना बने रहना चाहता हूँ। जय बिहारी जी की, श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।